आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान बेनकाब, मुंबई हमले में शामिल लश्कर आतंकी साजिद मीर का भारत ने यूएन में सुनाया टेप। साजिद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाया था वीटो। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को कहा तानाशाह, बोले जासूसी गुब्बारों वाली साजिश जिनपिंग के लिए शर्मिंदगी की बात थी। चीन ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। दुनिया भर में मनाया जा रहा इंटरनेशनल योग दिवस, पीएम बोले पृथ्वी के दो ध्रुव योग से जुड़ रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे यूएन में पीएम मोदी करेंगे योग। देश भर में अलग अलग शहरों में योग कार्यक्रम, बड़े मंत्री और बीजेपी नेता शामिल हुए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को दिखाया आईना, कहा ट्विटर को स्थानीय कानून मानना पड़ेगा। खुद को पीएम मोदी का बताया फैन, कहा अगले साल भारत आने की योजना। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में मुंबई में ईडी का बड़ा एक्शन, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों पर ईडी की रेड, मुंबई पुणे समेत 15 जगहों पर छापेमारी।